बरसात के चलते डैमेज हुई नेशनल हाईवे और शहर की सड़कों पर पैचवर्क शुरू हो गया है। बता दें कि बरसात के कारण नाहन शिमला नेशनल हाईवे की सड़क डैमेज हो गई थी। बरसात बंद होने के बाद ही सड़कों की रिपेयर और पैचवर्क शुरू कर दिया गया है। पैचवर्क कार्य का निरीक्षण करने के लिए नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल मौके पर पहुंचकर कार्य का जायजा लेते हुए दिखे। इस दौरान डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपनी पूरी टीम के साथ कार्य का निरीक्षण किया। इस मौके पर डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि बरसात में डैमेज हुई शहर और नेशनल हाईवे की सड़क की रिपेयर का काम शुरू कर दिया गया है। बरसात ने थोड़ा सा शांति दी है और लोक निर्माण विभाग नाहन डिवीज़न इसी तरह से नेशनल हाईवे नाहन डिवीज़न और नगर पालिका ने सड़कों की रिपेयर मेंटेनेंस के ऊपर तेज गति से काम शुरू किया है। ये आज से शुरू हुआ है और आज से जहां हम लगातार विकास के नए क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, एक और नया अध्याय आज रचने की दिशा में आगे बढ़े। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नाहन से शैलेश सैनी। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस लगातार 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियों को छू रहा है। प्रशिक्षित अध्यापकों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बलबूते यह संस्थान अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन गया है। संस्थान AICTE, PCI, BCI से मान्यता प्राप्त विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान ICO 9001 द्वारा प्रमाणित है। साथ ही 5-स्टार एक्रेडिटेड स्किल सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। संस्थान के चेयरमैन रजनीश बंसल व निदेशक विकास बंसल ने बताया कि संस्थान बीटेक, LLB, BA, BCA, BBA, MBA, GNM, BSc नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, JBT, BEd आदि विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान में सभी विषयों के लिए अत्याधुनिक लैब और संसाधनों की व्यवस्था की गई है। संस्थान द्वारा डिप्लोमा व डिग्री कोर्स पूरा होने के बाद कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। SC ST OBC श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी यहां उपलब्ध हैं। सभी विषयों में रजिस्ट्रेशन व दाखिले हेतु आज ही संस्थान में आएं या वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित करें।